ये तो आपको ही पता होगा कि सरहद के इस पार भी और उस पार भी रहते इंसान ही है। ये मैंने कोशिश करी थी कि जिन लोगों को मैं जानता तक नहीं हूं उनको ऐसी रैंडमली कॉल करें और ये जाने तो सही कि ये सरहदें कितनी नफरत पैदा करती हैं हमें। मैंने दोनों जगह हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह कॉल किया। हेलो ट्यून कॉपी करें स्टार और नौ दबा। हेलो जय हिंद सर, मेजर अर्जुन राजपूत, दिस इज विजय रिपोर्टिंग सर। हेलो सर, दिस इज विजय रिपोर्टिंग सर। अभी अभी मैंने देखा पाकिस्तान की तरफ से तीन फैमिलीज जा रही है जिसमें दो जवान, तीन बच्चे, तीन महिलाएं हैं। सर गोली मार दें, सर गोली मार दें, ऑर्डर दीजिए। हेलो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पाकिस्तान की तरफ से मेरे को तीन फैमिलीज दिखी हैं जिसमें तीन जवान, तीन महिलाएं, तीन बच्चे दिए। सर ऑर्डर दीजिए, गोली मार दूं, सर गोली मार दूं। भाई कौन बोल रहे हो? सर मैं विजय बोल रहा हूँ, अर्जुन राजपूत जी, मैं विजय बोल रहा हूँ। सर ऑर्डर दीजिए, गोली मार दूं। भाई गलत नंबर मिला है, चेक करो एक बार, रॉन्ग नंबर पाटा भाई। ओ गिरीश जी गलत नंबर मिल गया, दोबारा बुलाओ। टाइम नहीं है, गोली मार दे, मार दे गोली। हेलो एक मिनट, गल सुन मेरी। हेलो और गल सुन यार। सर एक सेकंड। यस सर। ओ मारन दी की लोड़ा यार, कमाल कर दिया तुसी। सर अभी पाकिस्तान की तरफ से तीन फैमिलीज दिखाई दी है सर, ऑर्डर दीजिए गोली मार दो सर। एक मिनट गल सुन, एक गल सुन यार, मारन दी की लोड़ा है, वो की बिगाड़े तेरा उन्हें है? सर आप मेरा वक्त खराब मत करो, यहाँ पे मेरे को पाकिस्तान बॉर्डर पे तीन फैमिली दिखाई दे रही हैं। यार ने मारन दी की लोड़ा है, पूछता ले कि है कौन, उन्होंने तेरा की बिगाड़ा यार, मारन दी की लोड़ा है, कमाल कर दे यार। सर आप कमाल कर रहे हो, पाकिस्तान से मेरे को लोग दिख रहे हैं, आप कह रहे हो मारन दी लोड़ नहीं है। सर पाकिस्तान से लोग दिख रहे हैं, मैं गोली न मारूं मेरी नौकरी चल जाए फिर? वो है तो इंसान ही हो, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है तो इंसान ही। ओए मेरी गल सुन यारा, उन्होंने पूछ जाके की दिक्कत है, उन्होंने दी मदद कर, तेरे भी तो बीवी बच्चे हैं, हैं? फिर मारन दी गल कर दे, इंसान है वो भी, उन्होंने जाके पूछ, उन्होंने दी मदद कर। सर तुहाडा ना की है? मेरे ना दा की करना यार, तू मारन दी गल कर दे लोकां नू, मैनु कर दे, मैनु ना तो दसो अपना। नहीं मेरे ना दा की करना की है तू, मेरे ना दा तू गलत नंबर मिलाया, पर मैं तेनू सही सही गल कह रहा। गुरशरण पाल सिंह बोल रहा है फतेहपुर, तू तू है बॉर्डर ते खड़ा हो गया, नवाब बन गया, लोकां नू मारेगा हुण तू? गुरचरण जी यही गल मैं सब नू दसना चाहंदा कि है तो इंसान ही यार, क्यों मार रहे हो? गुरचरण जी मैंने आपसे बात करने से पहले पाकिस्तान में फोन किया था और यकीन जानिए इस इंसान को मैं जानता तक नहीं था ये कौन है। इनसे भी मेरी बात हुई थी कुछ इस तरह की, सुनिए जरा क्या कहा था इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। मेजर अब्दुल्ला, वालेकुम अस्सलाम, याकूब अनवर बॉर्डर से बोल रहा हूँ। सर ऑर्डर दीजिए, मुझे हिंदुस्तान की तरफ से अभी तीन फैमिलीज दिखाई दी जिसमें तीन ख्वातीन, तीन बच्चे और दो बड़े आदमी है। सर आपके ऑर्डर है तो गोली मार दूं। कौन बोल रहे हैं? मेजर अब्दुल्ला वक्त खराब ना करें, मैं बॉर्डर से याकूब अनवर बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान की तरफ से अभी मुझे तीन फैमिलीज दिखाई दी जिसमें तीन ख्वातीन, दो बच्चे और दो बड़े लोग थे। आपके ऑर्डर हो तो गोली मार दूं। आपने गलत नंबर मिलाया है, मैं मेजर अब्दुल्ला नहीं बोल रहा हूँ। यूसुफ गलत नंबर मिल गया, आप क्या करूं? अरे अरे हेलो हेलो हेलो, क्यों गोली मार रहे हैं? किसी का फोन बोल रहे हैं? मैं बॉर्डर से बोल रहा हूँ, आपको गलत नंबर मिल गया, याकूब अनवर मुझे दिख रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से, तीन तीन फैमिलीज मिल रही है, इनको गोली मारो। सुनो सुनो सुनो, क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्यों इस तरह से गोली मार रहे हो किसी को, है कुछ खौफ है अल्लाह का दिल में या नहीं? सर वो हिंदुस्तानी है, गोली मारनी होगी मुझे। अरे अहमद इंसान, तुझे वो हिंदुस्तानी दिख रहे हैं, इंसान नहीं दिख रहे खबीस, जरा एक बार सोच लो पहले, है तो वो भी इंसान है? मैं बॉस से पूछ के और इनके इनको, इनको अरे बॉस से क्या पूछना है यार, तुमने इस तरह से फसाद पैदा करा रखे हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं? मैं जब भी बता पाऊंगा जब आप मुझे अपना नाम बताएंगे। मैं रजा अब्बास बोल रहा हूँ। रजा अब्बास साहब, एक साहब और हैं जिनसे मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ, और मैं माजरत चाहूंगा आपसे कि मैंने इस तरह कॉल किया। अब मैं आप दोनों से माफी चाहूंगा और ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैं बॉर्डर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और मैं ये खुद भी जानना चाहता था और दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि आखिर कितनी नफरत करते हैं दोनों मुल्क के लोग एक दूसरे से। आप दोनों की बात सुन के ये अंदाजा हो गया कि जंग दोनों तरफ से कोई नहीं चाहता और कोई किसी को मारना नहीं चाहता, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है कि हर तरफ गोलीबारी? आप दोनों का मैं एहसान मंद हूं और मुझे अंदाजा हो गया कि कुदरती तौर पे आपके मुंह से वो निकला जो एक इंसान के मुंह से निकलना चाहिए। भाई नवीद, बात इतनी सी है कि एक तो वैसे ही जिंदगी इतनी मुख्तसर सी हो गई है जी,
और उसमें ही इस तरह से दो मुल्कों के बाशिंदे आपस में इस तरह से नफरत अगर रखेंगे तो एक बात सोचने वाली ये है कि अल्लाह को मौत क्या दिखाएंगे जाकर। ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह, और मुझे पूरी उम्मीद है, और आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और तहे दिल से ये चाहता हूँ कि हर किसी में, और मुझे मालूम है कि हर किसी में यही जज्बा है कि एक दूसरे को मारने से बेहतर है कि एक दूसरे को बचाओ और सोचो समझो। जी एक गल मैं तुहानू दसना चाहना जी, भाई नहीं ये जेडी सरहद है लकीरा ने, ओ यार सानू क्यों घसीटते पे हो, साडे लई तो हर इंसान हर बंदा एक है यार, तुहानू ऑर्डर देंदे ने वड्डे लोग ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਚਾਰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, 50 ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਬੈਠੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈ ਜਿਤਨੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, इस बात का सबूत आप दोनों ने दे दिया कि गोली बारी आप में से कोई भी नहीं चाहता, और मुझे ये उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में सुकून से बैठकर जो तरीका होता है उस पर बात करी जाए और इंसानों को कम से कम मारना बंद किया जाए। आई एम सॉरी, मैं आप दोनों से माफी चाहूंगा कि मैंने इस तरह बिना बताए आपको फोन किया, लेकिन ये बहुत बेहतर